मैं नहीं मानता, कभी नहीं मानूंगा कि कोई प्रस्तुतकर्ता हमारे दर्शकों का निर्माण करेगा। दर्शक प्रधान है, हमारा लोक प्रधान है, नाटककार प्रधान नहीं है, और न तो नाटक का प्रस्तुत करने वाला प्रधान है। वह जैसा चाहेगा वैसा लोक को बना नहीं देगा। लोक तो दैव के द्वारा स्वयं बन करके आया है, अपने गुण धर्म स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल। किसके भीतर वह शक्ति है कि जो हमारे लोक को बनाएगा? भरत ने तो कहा, लोक वृत्तानुसरणम नाट्य वेदन मया कृतम, मैं लोक वृत्ति के अनुसरण में नाटक की रचना कर रहा हूं। तो लोक वृत्ति क्या थी सचमुच? यदि हम कुछ सूत्रों को लेकर के चले कि साहित्य के माध्यम से साहित्य, चित्र, मूर्ति और संगीत, इनमें भेद नहीं है साहब। मैं चाहूंगा कि हमारे आचार्य छोटे भाई डॉक्टर नगेंद्र इस पर विचार करें। केवल माध्यम का अंतर है। जीवन की किसी परिस्थिति विशेष में जब कोई देही पड़ जाता है, उस परिस्थिति के कारण उसके भीतर जिन भावों का उन्मेष होता है, वह जो अनुभव करता है, जो भोग उठाता है, वही जब शब्द के माध्यम से चित्रित किया जाता है तो वह काव्य है, भले वह गद्य में लिखा जाए। वाणभट्ट भी कवि हैं, कादंबरी के लेखक, उन्होंने गद्य में लिखा था। तो उन्होंने जीवन की नाना विधि परिस्थितियों का निर्माण कर उन परिस्थितियों के भीतर से उद्भूत भावों का निर्माण किया और तब रसमय बनाकर विभिन्न रसों के रूप में हमको भोग्य कराए। इस अर्थ में गद्य लेखक वाणभट्ट भी कवि हैं। तो शब्द के माध्यम से जब किसी जीवन की विशेष परिस्थिति का विशेष चित्र दिया जाएगा वह काव्य होगा, वही जब रंग और रेखाओं में उत्कीर्ण होगा वह चित्र होगा, वही जब अंग संचालन, स्वर और नाद के योग से कहा जाएगा तब वह संगीत होगा, और वही जब छेनी से काट काट कर पत्थर में उत्कीर्ण कर दिया जाएगा तब। इसलिए सृजन की जो पद्धति है, सृष्टि कर्म जो है, वह तो सब कहीं समान है, केवल माध्यम के अंतर से कोई काव्य है, कोई चित्र है, कोई संगीत है, कोई मूर्ति। तो हमारे कवियों के सामने ये समस्या बड़ी नहीं थी। कालिदास ने जब साहित्य की रचना करनी आरंभ की तो कह दिया त्रिवर्ग सारम प्रतिभाति भामिनी, तीन वर्ग जो हैं अर्थ, धर्म और काम, यही हमारे सार है। तो आज का नाटक लिखने वाला यदि अपने नाटक में अर्थ, जितने हमारे भौतिक साधन हैं जो वो दे सके नाटक के भीतर, यदि देता है ठीक रूप में, जो हमारे लोक के अनुरूप है, जैसा लोक भोगता है उसके अनुसार है, तब लोक रम कर देखेगा, भागेगा नहीं। यदि उसी तरह से धर्म वाली बात नाटककार देता है लोक का भोग्य बनाकर, जिसको कि लोक अपने नित्य के जीवन में भोग रहा है, तब लोक उसको रम कर देखेगा, फिर तब दर्शक उत्पन्न करने नहीं पड़े। उसी तरह से अनुराग, प्रणय, काम की वृत्ति जब नाटककार जैसा लोक में होता है उस कसौटी को सत्य मान करके यदि अपने नाटक में दे रहा है, तो सचमुच मैं तो नहीं जानूंगा, मानूंगा इस बात को कि जिस समय इंदुमती मरी है और अज विलाप कर रहा है, वह केवल अज का विलाप नहीं है, जितने पढ़ने वाले हैं सब जैसे अज बन जाते हैं और सब रोने लगते हैं। रति जब रोने लगती है काम दहन के बाद, तो सब पढ़ने वाले जो हैं रति बन जाते हैं और बन करके रोने लगते हैं। सहितस्य भाव साहित्य, यह सहित भाव जो कहा गया वह तो वही ना कि जो सबका भाव हो जाए, एक सूत्र बन करके जो सब में रम जाए, वह साहित्य है। तो जो मेरे हृदय में है वह उनके हृदय में होना चाहिए, तब तो साहित्य है, अन्यथा साहित्य नहीं है। इसलिए आप लोग चिंता मत करें, लोक के बनाने का या दर्शक के निर्माण करने का दंभ कोई मत करे। दर्शक तो स्वयं बन करके आए हैं भगवान के यहाँ से, या जो नास्तिक हो प्रकृति के यहाँ से, उनके भीतर उनका अर्थ है, उनका धर्म है, उनका काम है। जीवन की नाना विध परिस्थितियों में वो जो भोग उठाते हैं, जो उनको अनुभव होता है, उन अनुभवों को जब वो नाटक में देखेंगे, तो यदि कोई प्रेम से अतृप्त है तो नाटक में रंगमंच पर प्रेम के अभिनय का दर्शन कर वह तृप्त होगा, उसका अभाव भरेगा। यदि कोई कायर है जो कि कभी युद्ध क्षेत्र में गया नहीं, अवसर नहीं मिला, जब वो देखेगा कि दो वीरों का उत्साह कर्म रंगमंच के ऊपर हो रहा है, तो उसके उत्साह भाव की तृप्ति होगी और तब उसको वो देखेगा। तो इसलिए नाटक पहले तो काव्य है, सृष्टि है, वो उसमें भी वही भाव, जीवन की परिस्थिति का वही चित्रण है जो काव्य में है, जो चित्र में है, जो संगीत में। यह भ्रम मिट जाए।
सारंगधर ने कहा था काव्येषु हन्यते शास्त्रम, काव्य ने शास्त्र का हनन किया। काव्यम गीतेन हन्यते, पर जब गीत आ गया तो गीत ने काव्य का हनन कर दिया। गीतम नारी विलासेन, नारी विलास में जो सुख मिला वह गीत के सुख को नीचा कर गया, उतना नहीं हुआ। और क्षुधया सोपि हन्यते, पर जब भूख की ज्वाला पेट में लगी तो नारी विलास में जो आकर्षण था वह भी मर गया, तब भूख की ज्वाला जो है सबसे प्रधान हो। तो जो आपकी परंपरा कह रही है उसको यदि आप मारना ही चाहते हैं तो जान कर मारिए, अज्ञानी बनकर के मत मारिए। अज्ञानी बनकर के आप मार देंगे अगर, तो 100-200 वर्ष बाद जब इस देश की चेतना जगेगी, हमारी भावी प्रजा जब उठकर खड़ी होगी तो हमको और आपको बड़ा अपराधी बनाएगी, बड़ा कलंकित करेगी और कहेगी कि इन सबों ने हमारे जीव धर्म को इन सबों ने समाप्त कर दिया। बस इतना ही कहकर मैं चल रहा हूं।